Hello, Vivekians. How are you? I hope you all are fine at home. Today, I Pooja Lamba will explain you few word problems of Exercise 8.3. Okay, student, Today we are going to continue Exercise 8.3. Exercise 8.3, Question number 14. Price of TV after 20% increase is rupees 2400. What is the original price of the TV? इस क्वेश्चन का ये है कि एक टीवी का प्राइस ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज होने के बाद उसका प्राइस कितना है हो गया है ट्वेंटी फोर हंड्रेड वो करिए व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस का मतलब हुआ कि अब उस बताइए उस टीवी का ओरिजिनल प्राइस कितना था मतलब इंक्रीज होने बिफोर इंक्रीमेंट बिफोर इंक्रीज प्राइस क्या था ओरिजिनल का मतलब होता है बिफोर इंक्रीज प्राइस क्या था तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आपको जो चीज़ फाइंड करनी है जैसे ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट क्या करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर हमने लेट किया है कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टी वी इज एक्स की सपोज किया कि टी वी का ओरिजिनल प्राइस एक्स था अब अकॉर्डिंग टू तो द क्वेश्चन कि एक्स का ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज हो गया है ठीक है तो यानी जो भी टीवी का पहले प्राइस था उसका ट्वेंटी परसेंट बढ़ने के बाद अब टीवी का प्राइस कितना हो गया है ट्वेंटी फोर हंड्रेड

ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज होने के बाद उसका प्राइस कितना हो गया था ट्वेंटी फोर हंड्रेड करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर ध्यान से का में कितना परसेंट फिफ्टीन परसेंट आयरन होता है ठीक है वन केजी और कंटेन फिफ्टीन परसेंट आयरन हाउ मच और इज नीडेड कितना और चाहिए हमें टू गेट सेवेंटी फाइव के जी ऑफ आयरन अगर आपको सेवेंटी फाइव के जी ऑफ आयरन किसी मेटल uh, में चाहिए तो बताइए उसमें और कितना होगा तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि वन के जी और कंटेन्स आयरन फिफ्टीन परसेंट तो वन के जी का फिफ्टीन परसेंट कितना हुआ फिफ्टीन बाई हंड्रेड के जी के जी आयरन इसका मतलब एक किलो और में कितना आयरन है फिफ्टीन बाई हंड्रेड के जी आयरन इतना है

उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा कि 75 फाइव के जी आयरन कितने और में कंटेन होगा तो फिफ्टीन सेवेंटी फाइव के जी आयरन कंटेन इन आपने इसको सॉल्व किया वन इंटू डिवाइड का साइन जो था आपका वो कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में उसके बाद का रेसिप्रोकल किया फिफ्टीन बाई हंड्रेड का रेसीप्रोकल होके हंड्रेड बाई फिफ्टीन इंटू सेवेंटी फाइव 15 और 75 बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 15 तो इसकी कटिंग होगी 15 फाइव से 75 तो इट मींस 500 के जी और में 75 के जी आयरन होगा ठीक है यानी अगर 500 किलो और है तो उसका उसमें 75 के जी आयरन होता है अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन को देखें क्वेश्चन नंबर एटीन वेरी इंपॉर्टेंट इसके साथ का सेम आपके पास एग्जाम्पल भी है अ नंबर इज इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट एंड देन डिक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट एक नंबर पहले ट्वेंटी परसेंट से इंक्रीज होता है और इंक्रीज होने के बाद उसका फिर से ट्वेंटी परसेंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट बताइए नेट कितना इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज अब हमें क्या पता नंबर क्या है सो लेट द नंबर बी हंड्रेड हमने सपोज किया कि नंबर सपोज कर लो कि नंबर हंड्रेड था अब पहले इस नंबर का ट्वेंटी परसेंट क्या हुआ इंक्रीज increase. तो इंक्रीज परसेंट कितना है ट्वेंटी परसेंट यानी कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई इंक्रीज वैल्यू इज़ द हंड्रेड इंटू ट्वेंटी बाई हंड्रेड यानी वैल्यू ट्वेंटी रुपीज़ इंक्रीज़ हो गई तो अब जो न्यू वैल्यू होगी या न्यू अमाउंट जो होगा वो क्या होगा पहले वैल्यू हंड्रेड थी उसका ट्वेंटी परसेंट यानी ट्वेंटी इंक्रीज़ हुआ तो न्यू वैल्यू हो गई वन ट्वेंटी

स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी हमारे पास हंड्रेड और लास्ट में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सारा सॉल्व करने के बाद ट्वेंटी परसेंट इनक्रीज और डिक्रीज करने के बाद वैल्यू कितनी रह गई है नाइन्टी सिक्स यानी नेट डिक्रीज कितनी हुई वैल्यू सिर्फ फोर हंड्रेड पहले हमने लेट की थी अब नाइन्टी सिक्स वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है तो हंड्रेड माइनस फोर फोर तो डिक्रीज परसेंट हमने इसका कैसे निकालेंगे फोर इन टू हंड्रेड बाई हंड्रेड यहां पे हंड्रेड जो आया है वो किसके लिए आया परसेंटेज के लिए और पहले एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी हंड्रेड थी तो हंड्रेड टू हंड्रेड विल बी कैंसल आंसर विल बी फोर परसेंट आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू